मगर उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं समझ में आता था। बस ये होता था कि बस ठीक हो जाओ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि मुझे कोविड हो गया था और बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ आप अपनी कोविड की जर्नी शेयर कीजिए, स्टोरी शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि प्लीज़ आपको कोविड किस तरह से हुआ था, क्या प्रॉब्लम हो गई थी, आप तो घर में रहते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम हो गई थी जो आपको कोविड हो गया, प्लीज़ अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा कि इतने सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए, आप इसे जर्नी ही कह लो और स्टोरी चाहे कह लो, तो मैंने सोचा कि इसको शेयर करना ज़रूरी है, अपनी स्टोरी और जर्नी को। आप सभी जानते हो कि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है और जब मुझे कोविड हुआ तो अस्थमा और कोविड ने बहुत बहुत ज़्यादा मिलके प्रॉब्लम की मेरे साथ बहुत ज़्यादा। तो मैं पिछले लॉकडाउन में बिल्कुल भी बाहर नहीं गई थी और इस लॉकडाउन में भी मैं बाहर नहीं गई थी, बिल्कुल नहीं गई थी। मेरे ख्याल से तो मैं तो फरवरी या मार्च से भी बाहर नहीं गई थी, क्योंकि मैंने होली की कोई भी शॉपिंग नहीं की थी इस बार। तो मैंने सोचा कि घर ही में रहकर जो भी बनेगा वो मैं करूँगी, मगर कोई भी शॉपिंग मैंने नहीं की थी, अवॉइड की थी, ना मैं बाहर गई थी और ना ही मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी। बस जो बाहर जो सामान आते थे, सब्जी वाला, दूध और जो ज़रूरत का सामान होता था वही सब मैं लेती थी और बाकी कुछ भी नहीं करती। मगर तो जब भी कोई मैं सामान लेती थी तो मैं उसको सैनिटाइज़ कर लेती थी, या कोई भी चीज़ आती थी जैसे ग्रॉसरी का सामान आया घर में, जैसे ब्रेड आई, दूध आया और वेजिटेबल्स आई और बिस्किट आए, ये सब चीज़ें आती रहती हैं, तो इन सबको मैं सैनिटाइज़ कर लेती थी और लगभग 2-3 से घंटे के लिए छोड़ देती थी। उसके बाद मैं वॉश करके फ्रिज में रखती थी, चाहे दूध ख़राब क्यों ना हो जाए, मिल्क का पैकेट ख़राब क्यों ना हो जाए, मगर मैं उसको सैनिटाइज़ करके ही, मतलब कि फ्रिज में वॉश करके ही रखती थी। और जब वेजिटेबल्स लेती थी उसको नमक के पानी में डाल के तब मैं यूज़ करती थी। पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मैं जो है मैंने क्या ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से मुझे कोविड हो गया, जबकि मैं इतना प्रिकॉशन लेती थी, इतना ध्यान रखती थी हर चीज़ का, हर चीज़ में इतना ध्यान रखती थी, कुछ भी नहीं छूती थी, कुछ भी नहीं, कम से कम 2-3 घंटे बाद ही छूती थी। मगर पता नहीं क्या हुआ, मुझे याद है 6 अप्रैल को, हाँ 6 अप्रैल को जो है मुझे थोड़ी सी खांसी हुई और जो है जुखाम हो गया, तो खांसी और जुखाम हुआ है, छींकें आना शुरू हो गई और मुझे काफ़ी खराश होने लगी। तो मैंने कहा कि वेदर चेंज हो रहा है, इस वजह से हो सकता है, और मुझे अक्सर करके अस्थमा में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। तो जो मेरी मेडिसिन थी वो मैंने ली, अपना पफ लिया, इनहेलर लिया, सब कुछ लिया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला तो मुझे लगा कि ठीक है। उसके बाद मुझे 8 अप्रैल को मुझे हल्का हल्का फीवर लगने लगा, तो मैंने सोचा कि एक मेडिसिन ले लेती हूँ, उससे थोड़ा से जो है फीवर कम हो जाएगा। तो मैंने एक मेडिसिन ली और फीवर मेरा कम हो गया था, काफ़ी कम हो गया था। मगर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, नाइट को तो मेरे ठीक हो गया था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे हाई फीवर हो गया। फिर भी मैं गई डॉक्टर के पास और मैंने मेडिसिन ली तो मुझे थोड़ा से मतलब कि जो है आराम मिल गया। ऐसे मेरे 2-3 दिन इसी तरह से कटते रहे, फीवर आता गया और मैं मेडिसिन खाती गई, फीवर आता गया, मेडिसिन खाती गई। मगर मुझे ये नहीं ध्यान था कि मुझे जब अस्थमा की प्रॉब्लम क्रिएट करती है या अस्थमा होती है तो मुझे फीवर नहीं आता, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि काफ़ी काफ़ी मैं तकलीफ में थी। मेरे जो जॉइंट्स थे ना, बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे और इतना पेन हो रहे थे कि मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही थी, और सब अजीब सा गला हो रहा था, अंदर से एकदम से अजीब सी हो रही थी, खराश हो रही थी। और मैंने तभी गर्म पानी लेना शुरू कर दिया था, चाय मतलब कि चाय 2-3 टाइम कर दी थी और गार्गल भी करने लगी थी, सब कुछ करने लगी थी, मगर काफ़ी हो गया था दिन। तो इस तरह से करते करते मुझे 17 डेट हो गई थी, तो 17 को सोचा कि मैं जो है टेस्ट करवा लेती हूँ, और मैंने घर में बात की और टेस्ट करवाया।
तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब टेस्ट करवाया तो 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है, तो 3 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आई, ये पॉजिटिव आया। तो मैं रूम में लेटी हुई थी और बेड पे थी बहुत आराम से, और जो हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारा पॉजिटिव आया है, मैं एकदम से शॉक में हो गई। एक तो फीवर, ऊपर से खांसी जुकाम, अस्थमा भी उस समय क्रिएट कर रहा था, मगर बहुत बहुत कम था उस समय अस्थमा। तो मुझे एकदम शॉक हुआ, तो मैं जल्दी से मैं दूसरे वाले रूम में चली गई और मैंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था। जैसे आपने देखा है कि वीडियो में कि मैं एक छोटे से रूम में थी और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी और कुछ मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस भी था कि मुझे हो गया है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मगर फिर बाद में मेरी बड़ी वाली दीदी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं है। फिर मैं थोड़ा सा समझ गई, उसके बाद मुझे मैं नॉर्मल हो गई। तो जब मैं उस रूम में चली गई, उसके बाद से तुरंत ही मेरी मेडिसिन आ गई और वहाँ से फ़ोन आता है कि कंफर्म करने के लिए आपकी तबीयत कैसी है, कैसी नहीं है, आप घर में होना चाहते हैं क्वारंटाइन या आप हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते हो, ये फ़ोन आता है। तो मैं यहाँ कहा गया कि नहीं, हम घर ही में होंगे और कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे, कोई भी हॉस्पिटल नहीं वो करेंगे, तो हम घर ही में हो गए थे। उसके बाद मेरे लिए मेडिसिंस आई जो कोविड में दी जाती हैं, कम से कम नहीं तो 8-9 मेडिसिन होती हैं और वो मेडिसिन बहुत बहुत हैवी होती हैं, जिसे कहते हैं पावरफुल होती हैं जिसे कहते हैं। तो वो मेडिसिन आई मुझे, मैंने नाश्ता करने के बाद पहले दिन वो मेडिसिन खा ली। उसके बाद 20 को मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। इवनिंग में मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, अस्थमा की प्रॉब्लम है जैसे आप सभी जानते हो। तो मैंने एक वीडियो शूट किया था कि सबको बताया था कि मुझे कोविड हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, और मैंने उसको जो है यूट्यूब पे शेयर किया था। तो फिर एक दूसरे दिन 21 को मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरी एक फ्रेंड है यूट्यूब की, संजना मेकओवर, तो उसका मेरे पास से फ़ोन आया और उसने मुझसे पूछा कि रुचि तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा था, हाँ ना क्या भी जवाब नहीं दिया जा रहा था। जैसे मेरा वीडियो यूट्यूब पर आया और लोगों ने मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया, जो भी मुझे जानते थे, इंस्टाग्राम पे जानते थे, यूट्यूब पे जानते थे, उन सब ने मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया। काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया, काफ़ी दूर दूर से मेरे जो यूट्यूब फैमिली थी उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरा हालचाल पूछा। मैं बिल्कुल भी फ़ोन उठाने के काबिल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत रिसीव किया, 2-3 फ़ोन रिसीव किया था और हाँ ना का जवाब दिया था बस। वो जिन लोगों, जो वो लोग देख रहे होंगे वीडियो, उन लोगों को पता होगा कि मैंने हाँ ना का जवाब दिया। मेरी YouTube फैमिली इतनी बड़ी है, मुझे इतना चाहती है कि काफ़ी लोगों का फ़ोन आया, काफ़ी लोग ने मुझसे पूछा, Instagram पे पूछा, सब ने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, प्लीज़ बताओ क्या हुआ। मैं उस समय बिल्कुल भी इस स्थिति में नहीं थी कि आप सबके साथ कुछ भी शेयर कर सकूँ, बता सकूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरा जो था सांस उखड़ गई, जिसे कहते हैं अस्थमा का अटैक आ गया। 21 को मेरी काफ़ी सांस उखड़ गई, मुझे स्टीम दी गई, जो मुझे दी जाती है अस्थमा में वो स्टीम्स दी गई और टैबलेट्स दी गई, सब कुछ हुआ। मैंने 2 बार इंजेक्शन लगवाया, जो इंजेक्शन होते हैं वो लगवाया, मुझे लगा कि रिलीफ मिल जाएगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल रिलीफ नहीं मिला। 22 को मेरी बहुत 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 ज़्यादा, जिसे कहते हैं सीरियस हो गई थी, मैं इतनी सीरियस हो गई थी कि अगर मुझे ज़रा से भी वॉशरूम जाना था तो भी मेरी सांस काफ़ी उखड़ चुकी थी और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मैं वॉशरूम भी नहीं जा पा रही थी, इतना दिक्कत कर रहा था कि आपको क्या बताऊँ। फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने जो है मेडिसिन और स्टीम लेने के लिए कहा, वो भी लिया, सब कुछ लिया, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। रात 22 की रात को 3 बजे मेरी काफ़ी हालत ख़राब हो गई, काफ़ी मतलब कि मैं बर्दाश्त करते 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 मतलब कि मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, इतनी हालत ख़राब हो गई कुछ कहने को नहीं। और 22 को ही हाँ मेरे यहाँ जो है सिलेंडर आ चुका था, ऑक्सीजन सिलेंडर,
वो किसी तरह से इंतज़ाम किया गया और वो बहुत मुश्किल से मिला था। तो 22 को मेरे यहाँ सिलेंडर आ गया था। 22 को रात के 3 बजे मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और इन्होंने मतलब कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। तो मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ पर काफ़ी इंजेक्शन लगे, 4-5 इंजेक्शन लगे। उन्होंने वेंस में इंजेक्शन दिए और उन्होंने कहा कि जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ आप ले जाइए, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, यहाँ इनको एडमिट नहीं कर सकता हूँ। और हम लोग निराश होकर घर चले जाए, तो काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो था घर में इंतज़ाम किया था, उन्होंने वो तो लगा दिया मेरे। मगर इन्होंने कहा कि अगर तुमको आराम नहीं मिलता है, रिलीफ नहीं मिलता है, तो चलो हम लोग कहीं और चलते हैं और वहाँ चलते हैं, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं ले सकती, वहाँ चलते हैं, वहाँ आपको तुमको वहाँ पर श्योर एडमिट कर लेंगे और वहाँ पर तुमको रिलीफ मिल जाएगा। तो मुझे उस हॉस्पिटल का नाम सुन के ही थोड़ा सा डर लगता है, जो हकीकत बता दूँ। मैंने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी घर में, जो होना होगा वो होगा। तो फिर मैं पता नहीं जो है सुबह के 6-7 बजे मुझे बिल्कुल रिलीफ नहीं मिला था, वही दोपहर के 11 बजे तक के मुझे थोड़ा से रिलीफ मिला, जिसे कहते एकदम लिटिल बिट रिलीफ मिला। और 11 बजे तो मैंने इनसे कहा कि उसको हटा दो, और पानी पीने के लिए इशारे से किया कि मुझे पानी पीना है। तो इन्होंने मेरे मुंह में पानी डाला और थोड़ा थोड़ा करके डाला, बहुत लिटिल बिट करके डाला, जो मैं अगर ज़रा से भी मैं हिल रही थी ना तो मेरी सांस उखड़ जा रही थी, बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। उस समय उस पल को याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। बिल्कुल भी ऐसे भी नहीं हो पा रहे थे, ना ऐसे मूव कर पा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं मूव कर पा रही थी मैं। और इतनी दिक्कत में थी कि मैं ही जानती हूँ, मुझे तो लगा था कि अब मैं नहीं बचूंगी, जो हकीकत है। तो मुझे अपने बेटे का ख्याल आया और मैंने साईं बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मुझे ठीक कर दो, मेरा एक छोटा सा बेटा है। और पता नहीं बाबा ने मेरी सुनी और शाम तक के मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला सांस में, अस्थमा में। और मैंने जो है हल्का से रिलीफ मिला। फिर दूसरे दिन मुझे जो है शाम ही को मुझे इंजेक्शन लगाया था, तो मेरे हैंड में विको लगी हुई थी, तो विको लगवाया था हॉस्पिटल में जाकर। और रात को क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल को नहीं था, जहाँ जहाँ गए थे उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने विको लगाई मेरी, यहाँ पर मेरे को लगाई और इंजेक्शन मुझे दिया। कम एक टाइम में मुझे 5 से 6 इंजेक्शन लगते थे। सुबह 5 लगते थे, मॉर्निंग में 5-5 लगते थे और रात को 5 लगते थे, 5 से 6 इंजेक्शन लगते थे। 5 से 6 इंजेक्शन एक बार में लगना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एंटीबायोटिक लग रहे थे और एंटीबायोटिक लग रहे थे, तो बहुत ज़्यादा पेन होता था, बहुत ज़्यादा। मगर उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं समझ में आता था। बस ये होता था कि बस ठीक हो जाओ और एकदम अच्छी तरह से। मैंने अपने बेटे को भी नहीं देखा था कम से कम, नहीं तो काफ़ी दिन हो गए थे, उसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था। फ़ोन से हालचाल वो पूछ लेता था, तो बस मैं तो हाँ ना करती थी, उससे बिल्कुल बात नहीं कर पाती थी। उसके बाद 3 दिन बाद मुझे थोड़ा से हल्का से एकदम लिटिल बिट जिसे कहते हैं रिलीफ मिला। और तब मैंने आप सबके साथ एक वीडियो शेयर किया था, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, प्लीज़ बताइए आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो, कैसे नहीं हो। मैंने कहा कि मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कैसी हूँ, तो मैंने बताया। और मुझे जो है बताया आप सबको कि मेरी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। उसके बाद जो है मैं जो है कम से कम नहीं तो 9 डेज तक ये इंजेक्शन लगे हैं,
एक टाइम जो लगते थे 5 और नाइट को लगते थे 5, तो ये मुझे लगे हैं 9 डेज लगे हैं लगातार, तब जाके मुझे थोड़ा रिलीफ मिला है। फिर भी मैं अपना जो मतलब कि मुझे स्टीम लेनी लेनी थी, गार्गल करना ही करना था, मेडिसिन कोविड वाली मैं खाई रही थी और अस्थमा की मेडिसिन मैं खा रही थी, तो बहुत ज़्यादा बुरा समय रहा है मेरे लिए। सारी मेडिसिन मैं ले रही थी जिसकी वजह से मुझे इतनी वीकनेस हो गई कि मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही थी, जहाँ तक कि मैं जो है एक बॉटल तक नहीं उठा पा रही थी, मेरे हाथ जो है शेक करने लगे थे, क्योंकि जो अस्थमा के इंजेक्शन्स होते हैं वो थोड़ा से हाई पावर के होते हैं, जिससे आपके हैंड जो है शेक करने लगते हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, जहाँ तक कि पानी भी आप नहीं यूं करके पी पाते हो, बिल्कुल नहीं कर पाते हो। मैं बिल्कुल नहीं पी पा रही थी, काफ़ी दिक्कतें हुई मुझे कोविड की वजह से और अस्थमा की वजह से, बहुत बहुत ज़्यादा वो दिक्कतें हुई हैं मुझे। और फिर उसके बाद धीरे 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 करके मैं इम्प्रूव हुई, मुझे लगभग 1 महीना लग गया, लोग 15 दिन में ठीक हो जाते हैं, 20 दिन में ठीक हो जाते हैं, मुझे 1 महीना लगा है इम्प्रूव होने में। मैं धीरे धीरे करके मैं इम्प्रूव हुई, मगर अभी भी मैं उसी रूम में थी, मैं दूसरे वाले रूम में नहीं आई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था कि अगर कहीं आऊँगी तो मेरा एक छोटा सा बच्चा है कहीं, तो बहुत ज़्यादा डर लग गया था, मैं बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो 1 महीने बाद मैं इस वाले रूम में आई थी और मैंने अपने बेटे का बेड अलग करवा दिया था और अपना बेड अलग करवा दिया था, और मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं टच करती थी, एक फिंगर से भी नहीं टच करती थी, उसका हर चीज़ अलग करा दी थी, उसका सैनिटाइज़र, उसका सोप, उसका मतलब कि हर चीज़ अलग करवा दी थी, बिल्कुल भी नहीं छूती थी उसकी कोई भी चीज़, मैं छूती नहीं थी डर के मारे, एक अंदर से डर बैठ गया था, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं डर बैठ गया था। तो धीरे धीरे करके मैं इम्प्रूव हुई, और आप सबकी दुआ से, आप सब ने इतना प्रेयर की मेरे लिए, उसकी दुआओं से मैं ठीक हुई हूँ, आज मुझे दूसरी लाइफ मिली है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे मालूम था कि अगर मैं आप सबके साथ ये जर्नी या स्टोरी अपनी शेयर करूँगी तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी, और मुझे ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी कि मैं इमोशनल हो जाऊँ जल्दी, तो आप सबने कहा तो मैंने इस स्टोरी को शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी कोविड और अस्थमा की स्टोरी, जो मैंने बहुत बहुत दिनों तक के झेली है जिसे कहते हैं, और मुझे हो गए अप्रैल में मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, अप्रैल मई, आज है 20 मई, तो 20 में है, तो सोच लीजिए इतने दिन लग गए मुझे कवर होने में, तो आप देख सकते हो कि अब आपके सामने हूँ। और आई होप आप लोग अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होगे और अपना खुद का भी ध्यान रख रहे होगे, प्लीज़ कोई भी चीज़ छूने से पहले या कोई कहीं जाने से पहले सैनिटाइज ज़रूर कीजिए, सैनिटाइज़र अपने पास रखिए, हैंड वॉश करते रहिए, और अपना बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आपके यहाँ कोई अस्थमा पेशेंट है या कोई बड़ा है, बुज़ुर्ग है, उनको अस्थमा प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उनका ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए, उनको तो बिल्कुल भी कोई भी चीज़ मत छूने दीजिए। मैं जबकि बाहर नहीं गई थी, मुझे हो गया था, और आप जानते हो जब कोई कहा जाता है ना, जब होना होता है वो होके रहता है, शायद बहुत बड़ी मुसीबत थी जो आप सबकी दुआओं से टल गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कोविड की स्टोरी और जर्नी और अस्थमा की, तो आप सबको पता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।